हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह के जो पेंटेड प्लास्टिक पॉट्स या प्लांटर्स हैं उनको हम क्लीन कैसे करें या फिर मेंटेन कैसे करें। मैंने कुछ 2 साल पहले इस तरह का कॉर्ड कंटेनर के ऊपर पेंट करके पॉट्स बनाना सिखाया था और देखिए मैं खुद भी इनको यूज कर रही हूँ। 2 साल से ये वैसे के वैसे ही हैं। बीच बीच में पानी देते देते ये सब गंदे भी हो जाते हैं, तो उन्हें बीच बीच में हमको थोड़ा सा साफ सुथरा भी करना पड़ता है। और यकीन मानिए, इन्हें मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है। ना तो अभी तक कोई पेंट उखड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। इस तरह का डिज़ाइन करके मैंने शो पीस भी बनाया है और एक पॉट को मैंने खाली भी किया है। इसे मैंने नल के नीचे रखकर साफ किया है। तो चलिए देखते हैं, ग्लास के ऊपर पेंट हो, प्लास्टिक के ऊपर पेंट हो या फिर वुडन स्टिक्स के ऊपर, हम इन्हें किस तरह से मेंटेन करें। मैंने ये प्लांटर बनाया था और 2 साल से मैंने मिट्टी भर के प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक तो बार तो मैंने प्लांट्स भी चेंज कर लिए हैं और देखिए कुछ भी ख़राब नहीं होता। आप आराम से इनमें पौधे लगाइए और पानी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इन्हें आप बाहर आउटडोर भी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं या फिर इंडोर भी रख सकते हैं। बाहर रखने से थोड़ा सा फेड हो जाता है और अगर आप इनको इंडोर रखना चाहते हैं तो एज इट इज बने रहते हैं। और इनके ऊपर पेंट करने के बाद मैंने वार्निश का यूज नहीं किया है। चलिए इनको साफ करते हैं। और इनको साफ करने के लिए हमें बस पानी की ही ज़रूरत है। इस तरह का स्पॉन्ज वाइप आता है, आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी पुराना कॉटन का क्लॉथ जो होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इन्हें बस वाइप आउट ही करना है, खाली पोंछना ही है। घर के अंदर हो या फिर बाहर रखें, धूल मिट्टी तो जमती ही है और अगर आप इनमें पौधे लगाते हैं तो मिट्टी से थोड़ी सी गंदगी होती ही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज वाइप का यूज करूँगी और जो बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आप डिशवाश लिक्विड या फिर आपका जो डिटर्जेंट लिक्विड है उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्तन धोने का जो डिशवाश लिक्विड है उसके कुछ बूंदें पानी में मिक्स करके क्लीन करके भी बताऊँगी। मैंने ये पॉट धो लिया था आपको दिखाने के लिए और मैंने यहाँ पर स्क्रबर का यूज किया है। अंदर तो बहुत अच्छे से साफ हो गया स्क्रबर से, पर बाहर मैंने बहुत जोर से घिसा था तो थोड़ा सा इस तरह से पेंट उखड़ सा गया है। इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ क्लीन करें तो स्पॉन्ज साइड से ही क्लीन कीजिएगा, कुछ भी खराब नहीं होता। बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद भी इतना थोड़ा थोड़ा ही पेंट उखड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। पर अच्छा है कि आप इन्हें पोंछ लें, रगड़ के साफ ना करें, यानी जो हार्ड स्क्रबर है उसका ज़्यादा यूज ना करें। तो मैं यहाँ पर स्पॉन्ज वाइप को थोड़ा सा गीला करके निचोड़ लूँगी और गीले कपड़े या फिर स्पॉन्ज वाइप से, गीले स्पॉन्ज वाइप से हम इन्हें आराम से क्लीन कर लेंगे। तो ग्लास बोतल को इस तरह से आप रगड़ के साफ कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्के हाथ से कीजिएगा। बहुत ज़्यादा घिस घिस के साफ करेंगे तो धूल क्या, पेंट क्या, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए आराम से, जैसे आप अपने बाकी सारे सुंदर सुंदर सजाने की चीज़ों को साफ करते हैं, पोंछ लेते हैं, उस हिसाब से ही पोंछें। हाँ, अगर आप चाहें तो ओनली पाइप के नीचे, नल के नीचे रख के सिंक में भी इन्हें साफ कर सकते हैं।
क्लीन वाटर से इन्हें वॉश कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पूछना ही है, आप पानी में थोड़ा सा इनको क्लीन कर लीजिए और उसके बाद पूछ लीजिए, वो भी ठीक है, उससे भी ख़राब नहीं होते। देखिए ये तो बीच बीच में गंदे होते ही रहते हैं क्योंकि इनमें प्लांट्स लगे हैं और मैं जब पानी देती हूँ तो थोड़े बहुत मिट्टी इधर उधर गिर ही जाते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ऐसे हो ही जाता है, तो इन्हें थोड़ा सा रगड़ के भी आप साफ कर सकते हैं। मिट्टी का दाग आसानी से नहीं छूटता, इसलिए हम डिटर्जेंट लिक्विड या फिर थोड़ा सा डिशवाश लिक्विड पानी में मिला के फिर उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा, लाइक एक टीस्पून जितना लिक्विड आप डाल सकते हैं और इन्हें स्पॉन्ज वाइप में डिप करके अच्छे से क्लीन कर लें। सारा का सारा धूल मिट्टी आसानी से क्लीन हो जाता है और पेंट नहीं उखड़ते। देखिए जितना धूल मिट्टी है वही आ रहा है बाहर, कलर्स फेड नहीं होंगे, कलर्स निकलेंगे ही नहीं। ये सारे के सारे एक्रिलिक कलर्स हैं और वो एक्रिलिक कलर है जिसके बोतल के ऊपर लिखा गया हो कि ये प्लास्टिक पर यूज किया जा सकता है। आप जब भी एक्रिलिक कलर लें तो एक बार उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन उनके पढ़ लें कि वो किस किस जगह आप यूज कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर या फिर वुड के ऊपर यूज करने वाला मल्टीपर्पस एक्रिलिक कलर है उसका यूज करें, और पेंट करने के बाद अगर आप आउटडोर रखना चाहते हैं तो फिर वार्निश जरूर लगाएं। जो वुड का वार्निश आता है उसका एक सिंपल सा सिंगल कोट आप लगाकर यूज कर सकते हैं। तो बस आसानी से आप इनको साफ कीजिए और सालों साल ऐसे ही सजाकर एंजॉय कीजिए। कुछ फेंकने वाले चीज़ों को आप अगर रीयूज करके सुंदर सुंदर डिजाइन्स बना सकते हैं, अपने घर को सुंदर से सजा सकते हैं, तो फिर क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर हाँ तो फिर प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।